ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मास्क न लगाने वालों को दौड़ा दौड़ा कर SDM अशोक चौधरी ने लोगों की पिटाई की। दरअसल SDM साहब का गुस्सा इस कदर फूटा कि मास्क के अलावा गमछा या रुमाल लगाए हुए लोगों को डंडे बरसाए। SDM साहब को इतना गुस्सा आया कि जो लोग मास्क लगाए थे उनकी भी पिटाई कर डाली। मामला यूपी के बलिया का है, जहां SDM अशोक चौधरी कुछ पुलिस कर्मियों के साथ कचहरी में निकल पड़े और सामाजिक दूरी और मास्क ना लगाए हुए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर दी। यहां तक कि दुकान के अंदर से SDM साहब ने कुछ युवकों को बाहर खींचा और उनकी पिटाई की। हालांकि युवक मास्क लगाए हुए थे, मगर उसके बावजूद उनकी पिटाई की गई, जिसमें युवक के हाथ की उंगली फट गई है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आई और SDM अशोक चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। SDM साहब मेरे दुकान पर आए और भद्दी भद्दी गालियाँ देना चालू कर दिए, क्योंकि हम दोनों लोग मास्क लगाए थे, लेकिन उनका कहना था कि ये जो रुमाल वाला मास्क लगाया है मेरा भाई, वो अलाउ नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने दुकान में से घसीट कर बाहर लेकर आया, मारते मारते मेरा हाथ तो दोनों उंगलियाँ, तीन उंगलियाँ मेरी कट गई पूरी तरह। मारने में कौन कौन था? मारने में होमगार्ड थे और SDM साहब थे, अशोक चौधरी। अच्छा, अशोक चौधरी। हाँ, दुकान से खींच कर बाहर लेकर आया मुझे, और उसके बाद ये चार या पाँच होमगार्ड थे और ये सब मिलकर मारने लगे, बुरी तरह से मार कर लेगा अम्बेडकर साहब की मूर्ति के पास, तो फिर वहाँ पर भी मारे।